नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सर्कल पर। दोस्तों, आज काफी जल्दी जल्दी लोग अपना फोन बदल लेते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग फोन की इंटरनल मेमोरी में डाटा रखना नहीं चाहते और वे माइक्रो SD कार्ड का उपयोग करते हैं, क्योंकि कार्ड से डाटा को आसानी से एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर किया जा सकता है। मेमोरी कार्ड में ज्यादातर लोग मल्टीमीडिया कंटेंट रखते हैं, जैसे फोटो, वीडियो और गाने आदि। वहीं मेमोरी कार्ड में डाटा रखने का एक फायदा और होता है कि फोन की इंटरनल मेमोरी खाली होती है और इससे फोन हैंग और धीमा नहीं होता है। परंतु कई बार एंड्रॉइड फोन उपभोक्ताओं से मेमोरी कार्ड के बारे में ही समस्याएं सुनने को मिलती हैं। मेमोरी कार्ड डिटेक्ट नहीं करता तो कई बार फोन में कार्ड लगाते ही हैंग होने लगता है, फला आदि। आगे हमने एंड्रॉइड फोन से जुड़ी ऐसी ही 10 समस्याओं का जिक्र किया है और उनका समाधान भी बताया है। नंबर 1, मेमोरी कार्ड डिटेक्ट नहीं कर रहा। कई बार आप फोन में मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो वह डिटेक्ट नहीं करता। इस समस्या की शिकायत सबसे ज्यादा है और हल बेहद ही आसान। हो सके तो सबसे पहले अपने मेमोरी कार्ड को एक बार स्प्रिट, पेट्रोल या फिर टूथपेस्ट से साफ कर लें, इसके बाद लगाएं। धूल या गंदगी से भी ऐसा हो सकता है। यदि फिर भी नहीं डिटेक्ट कर रहा है तो कंप्यूटर से कनेक्ट कर आप उसे FAT32 पर एक बार फॉर्मेट कर दें, इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं एक बात और कि फॉर्मेट से पहले डाटा बैकअप जरूर ले लें। हो सकता है कि एक बार में किसी कंप्यूटर पर न दिखा दे तो आप उसे तो 3 PC या लैपटॉप पर चेक कर लें। यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो समझें कि कार्ड करप्ट है, यह काम नहीं कर सकता, आप मेमोरी कार्ड बदल दें। नंबर 2, कार्ड लगाते ही फोन हो रहा है धीमा। कई बार फोन में मेमोरी कार्ड लगाते ही धीमा हो जाता है या फोन में लैग देखने को मिलता है। यह समस्या मेमोरी कार्ड में डाटा फुल हो जाने की स्थिति में होती है, या फिर तब होती है जब आप फोन की अधिकतम क्षमता के बराबर का कार्ड उपयोग करते हैं। अर्थात किसी फोन में 3-2 GB तक का मेमोरी कार्ड स्पोर्ट है और आप 3-2 GB तक के कार्ड का उपयोग करेंगे तो समस्या हो सकती है। आप अधिकतम 6 GB रखें। वहीं यदि कार्ड में भी स्पेस 2-3 GB खाली हो तो ज्यादा बेहतर है। नंबर 3, धीमी गति से कर रहा है डाटा ट्रांसफर। यह समस्या पुराने मेमोरी कार्ड की वजह से ज्यादा होती है, क्योंकि कार्ड की तकनीक पुरानी हो जाती है। ऐसे में कार्ड खरीदारी के वक्त आप कार्ड की मेमोरी के साथ क्लास भी जरूर देखें। क्लास डाटा ट्रांसफर की गति को बताता है। हाई क्लास वाले फोन में इस तरह की समस्या नहीं है। नंबर 4, फोन हो रहा है हैंग। कई उपभोक्ता यह शिकायत करते हैं कि फोन में कार्ड लगाते ही हैंग हो जा रहा है, फोन पूरी तरह से फ्रीज हो जा रहा, कुछ काम नहीं हो रहा। इसके 2-3 निवारण हैं। थोड़ा कम क्षमता का कार्ड उपयोग करें, मेमोरी कार्ड में डाटा पूरी तरह न भरें। फोन हैंग होने का बड़ा कारण कार्ड में वायरस होना भी हो सकता है, इसलिए पहले कंप्यूटर पर उसे लगाकर FAT32 पर फॉर्मेट कर लें, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। नंबर 5, फोन हो रहा है गर्म। कई बार एक फोन निकालकर दूसरे फोन में मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो बिल्कुल आग की तरह फोन गर्म हो जाता है। यदि आपके फोन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो तुरंत कार्ड का बैकअप कंप्यूटर पर लेकर उसे फॉर्मेट कर दें, कार्ड सही तरह से काम करने लगेगा। नंबर 6, रुक कर रहा है कार्य। कुछ फोन में ऐसी भी शिकायत तब मिलती है कि कभी मेमोरी कार्ड दिखा रहा और कभी नहीं दिखा रहा है। ऐसे में डाटा एक्सेस में समस्या होती है। यदि आपके कार्ड में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो सबसे पहले मेमोरी कार्ड को निकालें और उसे स्प्रिट, पेट्रोल या फिर टूथपेस्ट से साफ कर दें। ब्लैक स्पॉट की वजह से यह समस्या हो सकती है, इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। नंबर 7, मेमोरी कार्ड में ऐप नहीं हो रहा इंस्टॉल। कई बार मेमोरी कार्ड में ऐप इंस्टॉल नहीं होते। ऐसे में हो सकता है कि वह ऐप कार्ड इंस्टॉलेशन सपोर्ट ही न करे। वहीं यदि कोई ऐसे को इंस्टॉल कर रहे हैं तो मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल होता है लेकिन हो नहीं रहा, तो उसके लिए आपको कार्ड को फॉर्मेट कर या फिर सिक्योर फाइल को डिलीट करके करना होगा। इसके लिए पहले PC से कार्ड को कनेक्ट करना होगा और फिर कार्ड में जाकर सडी कार्ड एंड्रॉइड सिक्योर फाइल फोल्डर को खाली कर दें, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। नंबर 8, फोटो नहीं कर रहा है सेव। एंड्रॉइड फोन में कई बार फोटो खींचने के दौरान आपको मैसेज आता है कि मेमोरी कार्ड को यूज नहीं कर सकते।
आप 2-3 बार कैमरा ऐप बंद करते हैं और ओपन करते हैं तो भी समस्या बनी होती है। यह समस्या वायरस से हो सकती है या फिर आप बैकग्राउंड के कोई दूसरा कैमरा या वीडियो ऐप चालू होने से भी हो सकता है। ऐसे में सभी ऐप को बंद कर आप फोन को रिस्टार्ट कर लें, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद भी समस्या बनी है तो फिर फॉर्मेट की उपाय है। नंबर 9, फाइल सेव करने पर दे रहा है एरर। फोटो वीडियो सहित किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट मेमोरी कार्ड में सेव करने पर कभी कभी फाइल एरर देने लगता है। यह समस्या बहुत ज्यादा लोगों से सुनने को मिलती है। इसका कारण वायरस है जो फाइल को करप्ट कर रहा है। आप कार्ड को एंटीवायरस से स्कैन कर या फिर फॉर्मेट कर ठीक कर सकते हैं। नंबर 10, फोटो फाइल हो गया करप्ट। पुराने कार्ड में इस तरह की समस्या बहुत ज्यादा है। वहीं यह तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब आप किसी दूसरे के ब्लूटूथ से डाटा ट्रांसफर करते हैं। इसमें भारी मात्रा में वायरस आता है और पुराने फोटोज और वीडियोज को वह करप्ट कर देता है। इससे वे फोटो और वीडियोज नहीं खुलते। ऐसे उन फाइल को वापस लाने के लिए आप रिकवरी ऐप का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी गारंटी नहीं है। वहीं और फाइल करप्ट न हो इसके लिए आप कार्ड को फॉर्मेट जरूर कर दें। तो दोस्तों, कैसी लगी है आप सभी कुछ भी जानकारी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ यह सलूशन आप सभी के लिए फायदेमंद रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आते तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।